अस्सलामुअलैकुम आदाब सत श्री अकाल, मैं हूँ राजा आदम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एडम्स एप्पल, जहाँ हर हफ्ते हम मिलते हैं कश्मीर के अनोखे टैलेंट से, उनके साथ करते हैं थोड़ा सा मैजिक, थोड़ी सी बातचीत और ढेर सारा फन। और आज के एपिसोड में हमने जिसको बुलाया है कश्मीर वेरी ओन सलमान खान, जिनको आप सब कैट सलमान के नाम से जानते हैं, उनके साथ करेंगे बातचीत। फिलहाल वेलकम टू द शो। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। स्टार्ट करते हैं तुम्हारे फेवरेट डायलॉग से, जो तो हमेशा इंस्टाग्राम लाइव पे बोलते हो हमारी ऑडियंस के लिए। कैसे हो? मैं बोलता हूँ वहाँ पे आई वांट एजेंसी एंड शिकार तो सभी करते हैं, लेकिन टाइगर से पहले शिकार कोई नहीं करता। और कैसे हो मेरी जान? कैसे हो मेरी जान? ठीक है। ओके, उससे पहले हम स्टार्ट करें कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स है रिगार्डिंग सीजन 2। हम बहुत जल्द आपके लिए ला रहे हैं सीजन 2 विथ ब्रिलियंट फेसेस ऑफ कश्मीर, जाने माने फेसेस है। उसके अलावा हम दे रहे हैं मौका नए टैलेंट को उसमें जुड़ने का। हर किसी टैलेंट को मिलेंगे 3 से 5 मिनट अपना टैलेंट डिस्प्ले करने का, तो रजिस्टर कीजिए अभी। हे गाइस, सॉरी टू इंटरप्ट, YouTube की काफ़ी अच्छी चैनल है वॉइस ऑफ हार्ट, जो काफ़ी अच्छा मोटिवेशनल और सोशल कंटेंट डालती है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक इनकी दी हुई है, तो चेक इट आउट, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। स्टार्ट हम हमेशा करते हैं कि वाई दिस फील्ड। बहरहाल ये फील्ड नहीं है आपका, बट कैसे आया आपको ये कि मुझे ये करना है, कॉमेडी कंटेंट क्रिएट करना है? मतलब मेरे को ये नहीं था, कॉन्सेप्ट नहीं था दिमाग में कि मतलब मेरे को फेमस जाना है। बस मैं एक पेज मतलब चलाता था पहले हसनी श्रीनगर, फिर मुझे मतलब दिमाग में आया कि मुझे कुछ करना है, जैसे कि एडमिन अपना फेस नहीं दिखाता है लाइक पेजेस पे। सो मैंने सोचा कि मैं मतलब एक बंदा हूँ कश्मीर में जिसने फेस दिखाया, आई मीन टू सी पेज पे। सो बस यही ऐसा ही ट्रेंड चला फिर। सो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है आपको, जो लोगों ने पूछे हैं कि इसको जरूर पूछ। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमेशा आपको लाइव पे पूछते हैं कि व्हाई कैट सलमान? कैट्स क्या है? कैट्स में मीनिंग से भाई। तो भाई ना क्या मीनिंग है आज सबको जाना? कैट्स में आपको मैं मीनिंग्स बताऊंगा, लेकिन 3 वर्ड्स का मीनिंग बताऊंगा। कैम्प के मीन्स कश्मीर, ए मीन्स आर्या, आर्या मुझे घर में बुलाते हैं नाम, सो आई मीन्स इरफान। टी का मतलब अलग है, एस का मतलब तो वो टी और एस का मिलेगा, बोलेंगे इंशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको पूछना कि कभी चोरी की है? चोरी तो मुझे मैंने बहुत ज़्यादा की है बचपन में। क्या चुराया है? पैसे चुराए घर में बहुत सारे, और 500 500, वो 100 रुपये 100 रुपये चोरी नहीं, बड़ी बड़ी लाखों चोरी की। लाखों चोरी। स्कूल में अक्सर तुम्हें मार पड़ती थी, क्या क्या होता था स्कूल में? से ज़्यादातर मैं बसान कानपकरी वारा में, कैसे कि मुझे लगता है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था उस टाइम मैं ज़्यादा मतलब जो हाईलाइट वाईलाइट वालों में करते थे ना, वो मैं ज़्यादा करता था, और मुझे डांट पड़ती थी मैडम के साथ, लाइक सर होते थे वो डांट पड़ती। कनपकड़ी से मुझे एक और इंसिडेंट याद आया, आटा से खाड़म बहुत ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ने इसको पूछा कि लड़कियों को कभी छेड़ा है? कभी नहीं, सारे लड़के तुम्हारे भाई हैं, सब लड़कियां मेरे भाई, विदाउट जो मेरी वाइफ बनेगी, जो मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। ओके, कभी कस्टमर, कभी ये फनी कस्टमर मिले तुम्हें शॉप पे? बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं। कैसा है फनी एक्सपीरियंस, सबसे फनी एक्सपीरियंस? जो फनी एक्सपीरियंस मुझे तब रहा जब मुझे एक कस्टमर आता है, लाइक वो मुझे बोलता है कि मुझे ऐसा ये दे दो, लाइक कुछ स्वेटर लेनी होती है, कुछ अलग सा लेना होता है। जब मैं उनको रेट बोलता हूँ लाइक ये 800 रुपये में है, वो बोलते हैं मुझे कि मैं आपको 200 रुपये देता हूँ। हाँ, वो लाइक होता है 500 में अपना ही खरीद होता है, और वो बोलते हैं 200 रुपये देते। तो फिर देते हो कभी कि लड़की है पट जाए? देता हूँ ऐसा ही कि लड़की है, लड़की के लिए नहीं लड़कों के लिए मैं देता हूँ। ओके, इसी ने पूछा कि बाग में जाने में इसको एक्सपीरियंस है? बाग में जाने में मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने आज तक टिकट नहीं निकाली है किसी भी गार्डन की, लाइक ट्यूलिप गार्डन हो, शालीमार गार्डन हो, निषाद गार्डन हो, मैं चोरी छिपे जाता था, वो मैं कांड बहुत ज़्यादा करता था। तो जेके टूरिज्म से डिपार्टमेंट से गुजारिश है, अगर आप देख रहे हैं ये है आपका बंदा जो टिकट नहीं भरता है। ओके, इससे पहले हम आगे बढ़े, एक ट्रिक करेंगे आपके साथ। हाँ भाई, और उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन हमारा स्टार्ट करते हैं, रेडी? Alright. तो मेरे पास एक वाटर बोतल है और मेरे पास कुछ गिलास, ये मेरी फेवरेट ट्रिक है, आज तक मैंने किसी के साथ नहीं की है, बट आज मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ करूँ। 3 गिलासेस है और एक में हम क्या कर रहे हैं, एक में हम पानी डाल रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। हवा से मुझे इतना पच्चीस एडवन आसमान बन के ज़्यादा, तो ज़्यादा चुनत किए। अब मैं क्या करूँगा, बगैर रखी शफल, आपको नज़र रखनी है पानी किस में है, पानी किस में अभी
इसमें 1 2 3 अच्छा ठीक। तो मैं थोड़ा सा शफल करता जाऊंगा इनको, बहुत कर डालने की कोशिश मगर तुम डालो क्या कस मन उसमें इसमें। नाइस, वन मोर ट्राई, रेडी? अब किसमें? बीच वाले में, बीच वाले में डाल दी। लास्ट टाइम अब किसमें? उसमें। परफेक्ट, दैट मींस ये गिलास खाली है। हाँ। और ये? ये भी खाली है। और ये? इसमें पानी भरा। कैसे होता है? गलती से। okay. मुझे भी सीखना है। तुम्हारा डायलॉग क्या है वो? शिकार तो सब करते हैं। शिकार तो सभी करते हैं, लेकिन टैग से मैजिक तो सभी करते हैं, मगर मुझसे ऐसा मैजिक कोई नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन हमारा होता है डियर। डियर में हम क्या करते हैं, हम यूजुअली कुछ करने को बोलते हैं, बट सिंस हम सबको पता है कि तुम्हें सलमान खान फेवरेट है, मैं तुम्हें कुछ डायलॉग्स दूंगा बॉलीवुड के फेमस डायलॉग्स, तुम्हें कश्मीरी में बोलने। रेडी? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम, खुश तो बहुत होंगे तुम। व्हिच इज वारिया खुश। ओके, फेमस डायलॉग सलमान खान का कि तुम्हारे जिस्म में इतने छेद करूंगा कि कंफ्यूज हो जाओगे, सांस ले कहां से और छोड़े कहां से। आपको नहीं बोल रहा हूं मैं, बकर से तीते गद से तरीन फिक्री से कपूर निक्षा से कपूर निक्षा वापस। ओके, ये मजदूर का हाथ है कात्या, लोहा पिघला के उसका आकार बदल देता है। यह छ मजदूर सुंद हाथ ये ना फटरा इन शिस्तर जान। उसके बाद नेक्स्ट डायलॉग, मुझे टुकड़ों पे जीने की आदत नहीं है कातिया। वो मुझे नहीं आएगा बोलना। ट्राई करो। मुझे ख्याल ही नहीं आता है इसके बारे में। ओके, अमिताभ बच्चन का फेमस डायलॉग था, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश। आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश। इसको कश्मीरी में मगर बोलना है। वो करती इंग्लिश, वो पकनाती इंग्लिश। ओके, सबसे फेमस डायलॉग गब्बर का, जब 50-50 कोस किसी दूर किसी गांव में बच्चा रोता है तो माँ बोलती है बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। अगर कांपा कांपा कांती गब्बर आए मालस मस्ती मस्ती पानी पूंछ गब्बर आए बाद छप कर पकड़ पकड़ ही गब्बर। ओके, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। बाइडन बाइडन मुल्कन मंच बड़ी बड़ी कहते कसा छोटी छोटी बातें होती रहती है। ओके, सो ये है हमारा डियर सेक्शन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, बट उससे पहले हम एक और ट्रिक करते हैं, ठीक है, रेडी हो? ओके, हम एक ट्रिक करते हैं, तुम्हारे पास पैसे होंगे? पैसे हैं। हाँ, उसके साथ करेंगे। पैसे मुझे देने हैं? हाँ। कितना देना है? जितनी तुम्हारी ये होगी, दिखा दो लोगों को क्या टूर। ओके, मैं इसे तुमसे ले रहा हूँ ताकि लोग फिर ये ना बोले कि शायद इसमें कुछ है। ट्रिक सारे सिंपल, नजर थे ट्रिक छी पेन पिछी वन टू थ्री समथिंग लाइक दिस कुदर टू ऑट हो सी हुई तो मैं थी नजर ऑन द काउंट ऑफ थ्री 1 2 3 कब चेक मैं पता है पेन चेक मतलब ये किसे करती हो मैजिक से मुझे भी सिखाओ ना मैजिक मुझे तो पसंद है मैजिक उसके लिए शाम को घर आना पड़ेगा चलो कोई बात नहीं मैं ट्रेन करूं मैं ट्रेनर दूंगा। ओके नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास है विद ये अगर तुमने किया है तो तुम बोलोगे हाँ भाई ना भाई मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा अच्छा रेडी क्वेश्चन नंबर 1 अगर तुमने किया है तो तुम दिखाओगे हाँ भाई अगर मुझसे कुछ चाहे ना भाई लेडीज टॉयलेट यूज किया कभी लेडीज टॉयलेट हाँ बहुत बार ओके च्यूइंग गम रख के खाया है अजी थो पत खमो सब भी ओके कंडक्टर के पैसे खाए कभी इमस की नजर डाल ली बिखा मैं इमस कंडक्टर के मजा आता है ना उसे किराए ये क्या रही शायद इमस बहुत किराए बचपन पेट है ऐसा स्कूल टाइम पेट बिल्डोजर की खुदाई देखी है जेसीबी की खुदाई बीच में बहुत बार कितने का बस आधे घंटे तक कहां पे या पूरी जमीनों में मिलन मस बिना वॉशरूम यूज करके बिना हाथ धोए बाहर आए हो कभी आ भाई एक दो ही लेके ये क्या इमरजेंसी है इमरजेंसी ऐसा मान ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कड़ वाली तो जा कड़ फुल तुलन इथे कनेक्ट हां रेड वाली से कड़ फुल तुलन मुझे इथे कनेक्ट तुलन मुझे तुलन इथे कनेक्ट नेरम नेरम आ भाई बहुत बार क्या मजा आता है हर कोई करता है स्वीट लगता है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है फेक अकाउंट बनाया किसी लड़की के साथ चैट करने के लिए अरे भाई बहुत बार किसके साथ मतलब किस लड़की के साथ बहुत लड़कियों के साथ
फेक गर्लफ्रेंड्स कितनी है? फेक गर्लफ्रेंड्स कोई भी नहीं, ना पाया मगर इसे पूछा इसे बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स ठीक है मिशन पाई की, मगर सवाल छो अरे यार बचपन में थी जब मैं 4 साल का था। 4 साल का था कितनी थी? अराउंड 100। उसके बाद क्या हुआ? 100 में से 100। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ब्रेकअप। तब से लेके आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी? तब से लेके बहुत सारे ऑफर्स आते हैं। हाँ, इंस्टाग्राम लाइव पे तो बहुत सारे ऑफर्स आते हैं ना, बहुत सारे। क्यों ना बोलता है कैन सलमान? इंटरेस्ट नहीं है। फिर किस में है इंटरेस्ट? एक लड़की, हाँ एक कोई एक लड़की जो तुम्हें पसंद है शादी के लिए, कौन होगी वो जिसको तुम प्रपोज करना चाहते हो? आज सब देखेंगे इंस्टाग्राम जो हैंडल्स है फेसबुक के, सॉरी कश्मीर के इंस्टाग्राम हैंडल्स, उनमें से कौन सी लड़की तुमको पसंद है जिसको तुम प्रपोज करना चाहते हो? यहाँ परिंदा भी एक पर से उड़ता है और एक से अपनी इज्जत बचाता है, ये कर कश्मीर पॉइंट। ये वसेपुर है, यहाँ परिंदा भी एक पर से उड़ता है और एक से अपनी इज्जत बचाता है। भाई आप मुझे इतने क्यूट से क्वेश्चंस पूछते, मैं आपको एक क्यूट सा क्वेश्चन पूछूं। जब आप वहाँ पे गए थे ना, वहाँ पे कौन सा वो मस्त कल, मस्त कल, इंडिया के मस्त कल, तो वहाँ पे आपको वो बांधे थे वो हाथ वाथ बांधे थे, पर आप फिर आप संदूक में गए, बिल्कुल मुझे बताना कैसे आप? आई लाइक द क्वेश्चन एक्चुअली, संदूक प्लीज यार बताओ ना, बताओ ना, बताओगे कि नहीं? संदूक में मुझे पसंद आया, हर कोई बॉक्स बॉक्स बोलता है। हाँ, उसके बाद मैं निकला था वहाँ से मैजिक करके निकला था। अच्छा, मैजिक जी बिल्कुल, ये भी सिखाना भाई मैजिक। मैंने आपको बोला आप शाम को आना, मैं आपको क्लासेस दूंगा, बट पहले हम अपने डायलॉग पे वापस आते हैं कि ये वसेपुर है, यहाँ परिंदा भी एक पर से उड़ता है और एक से अपनी इज्जत बचाता है, कश्मीरी। ये वसेपुर है, ये छु आँख नफर परिंदा नफर कहाँ से हो गया? यहाँ परिंदा एक पर से उड़ता है और एक से इज्जत बचाता है, यहाँ ये जानवर अकेला से उड़ान उड़ान आप इसका फिर क्या मजा आएगा इसमें? अच्छा, कोई कोई फेमस डायलॉग है जो तुमको पसंद है, जो तुम हमेशा बोलते हो टाइगर के बगैर? फेमस डायलॉग तो मैं लाइव ही बोलता हूँ, है ना भाई, कैसे हो मेरी जान, कैसे हो, स्वीट होना, माइंड ब्लोइंग होना, हाय राजा भाई कैसे हो आप? हाँ, आपको लाइव पे अक्सर आता है ना कि मेरा नाम लो, मेरा नाम लो, मेरा नाम लो, उनको उनको प्यार है मुझसे, मोहब्बत। बिल्कुल, अगर मैं आपको बोलूंगा इस टाइम पे कोई भी 5 नाम लेने के लिए, कौन से होंगे वो? जैसे कि तुम अभी लाइव कर रहे हो, बिल्कुल इंस्टाग्राम वाली फीलिंग है। हाय आतिफ, हाउ आर यू डियर, कैसे हो आप? ठीक, अच्छे से। हाय राजा भाई, व्हाट्स अप डियर, कैसे हो आप? ठीक। दो। हाय आदम भाई, व्हाट्स अप डियर, हाउ आर यू? आदम राजा एक। हाय लवली, व्हाट्स अप? तीसरा, अभी दो ही नाम हुए। हाय मुझे भाई, हाउ आर यू डियर, कैसी चल रही है प्रैंक्स? और एक है तेज। अच्छा, अगर तुमने एक फनी इंसिडेंट है जो किसी को नहीं पता है, मुझे पता है, तुमने एक फेक अकाउंट बनाया था, किसी पेज को कॉपी किया था, फिर तुमने लाइक की थी, क्या है वो इंसिडेंट? यार फिर उसने पुलिस स्टेशन में ले लिया मैंने, लेकिन मैंने उस टाइम उसी टाइम उसको बोला था कि मैं जाऊंगा फेमस भाई, अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। सो मैंने एक काम किया, जब मैंने वो फिर पेज मतलब स्टार्ट किया ना जो हस्तिस्त नगर था, सो उस टाइम मैंने एक पेज बनाया था, वो लीडिंग पेज था शायद, वो अजगित मई, अजगित, बिल्कुल। हाँ, फिर मैंने उसको कॉपी किया था, लाइक मैंने वैसा ही पेज बनाया, हाँ वैसा ही पेज बनाया था, और मैं उसके कॉन्टेंट चुरा रहा था, फिर मैं अपलोड कर रहा था, तो वैसे ही वो पेज बन गया। फिर उसने मुझे टेक्स्ट किया, भाई ऐसे गलत होता है कि ऐसे ऐसे, मतलब मैंने उसको बोला तू क्या करेगा, मैं चलाऊंगा ये पेज, तो उसने बोला तू क्या करेगा, मैंने बोला कोई बात नहीं भाई। उसने फिर बोला कि मतलब कोई था उसको जानकारी में, उसने फिर पुलिस में रिपोर्ट, मेरा दोस्त डाला कि ऐसे ऐसे। बट बहुत कम बार ऐसे होता है ना कि इंसान खुल के दिल की बात कर पाते, मतलब अगर ये गलती है, एक्चुअली मैंने तो कभी नहीं बोला कि मैंने किया है, बट दिल साफ होना ये एक शायद एक अलामत है। सो थैंक यू सो मच आप हमारे साथ जुड़े, बट इससे पहले हम इस एपिसोड को ख़त्म करें, कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज अपने फैन के लिए, अपने ऑडियंस क्या देना चाहता है कैट सलमान? इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि बस प्यार करो सबसे, नफरत के बगैर, नफरत से कुछ नहीं मिलता है, बिल्कुल, बस हमेशा प्यार करते रहो, खुशी मिलेगी प्यार से,
दिल अच्छा रहेगा, हल्का रहेगा, सुकून सा रहेगा, ओके, स्वीट रहेगा, माइंड ब्लोइंग रहेगा, क्यूट रहेगा, अट्रैक्टिव रहेगा, लविंग रहेगा. एग्जैक्टली, मैं ये चाहता था कि थोड़ा अपने अंदाज में तुम एंड करो. सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक्स, आप सब हमेशा हमें प्यार देते हैं, हमेशा हमारे वीडियोज को इतना पसंद करते हैं, शेयर करते. तो कीप शेयरिंग, कीप लविंग. थैंक यू सो मच. मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और आर्टिस्ट के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.